नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लैब में। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ जिसमें कि एनटीपीसी रिक्वायरमेंट की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रॉलिंग हो रही है इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसी के बारे में आपको आज जानकारी बताऊँगा किस प्रकार से ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कितने पोस्टों के लिए, किस पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, इन सभी की जानकारी आपको हमारे इस पूरे वीडियो में दी जाएगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि पूरी वीडियो में आपको जानकारी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। सबसे पहले जो आई हुई है एनटीपीसी की ओर से वैकेंसी, स्पेशल रिक्वायरमेंट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2021 थ्रू गेट 2021 की ओर से आई हुई है। इसमें जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की 22 सीटों के लिए, वहीं मैकेनिकल की 14 सीटों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन जो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी AMIE विथ नॉट लेस देन 65, यानी 65 मार्क्स से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 55% अगर उनके हैं तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपको डिग्री दी गई है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो दिया गया है डिग्री, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल या मैकेनिकल या एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के जो लिए प्रिस्क्राइब दिया गया है फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, वहीं बातें करते हैं एज लिमिट जो दी गई है। इसमें जो एज लिमिट दी गई है अपर 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहीं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एलिजिबिलिटी मस्ट हैव अप्रियर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन टेस्ट इंजीनियरिंग गेट 2021, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड 2031 गेट के हिसाब से ही आपकी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बातें कर रहे हैं इसमें जो है कि पोस्टों की वैकेंसी कैटेगरी वाइज जो की गई है प्रोजेक्ट वैकेंसी की, उसमें जैसे कि दिया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए 22 सीटों, मैकेनिकल के लिए 14, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 सीटें दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बातें करते हैं इसमें क्या आपको बेनिफिट होगी, इसमें क्या आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें जो आपको पे स्केल रहेगी वो 40,000 से लेकर के 1,040,000 रुपये तक रहेगी, जो कि बेसिक पे आपको 40,000 रहेगी, E1 ग्रेड पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप की बातें जो करता हूँ, इसमें जो आपको सबसे पहले अगर नॉन क्रिमिलियर या SC ST या OBC हैं तो या PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी एज में जो है कुछ छूटें दी गई है। ठीक है, साथ ही अगर 55% अगर जिस कैंडिडेट के SC ST एंड PWD कैंडिडेट के 55% है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स, OBC को जो नॉन क्रीम लेयर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट के लिए और 10 ईयर्स। ठीक है, वहीं PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो भी हो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म में, कि आपको जिस फॉर्म के लिए, जैसे SC ST कैंडिडेट है तो SC ST कास्ट का सर्टिफिकेट आपको अटैच करने पड़ेंगे। फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फी NTPC बीइंग ए स्पेशल रिक्वायरमेंट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये
रिक्वायरमेंट जो आई है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए ही आई हुई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस दिया गया है, फीमेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सीईटी एनटीपीसी ईईटी 2021 की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अप्लाई का लिंक दे दिया है, जो कि अप्लाई की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 6 मई 2021 तक होगी, ठीक है। तो अप्लाई का लिंक मैंने यहाँ से आ चुके हैं, यहाँ से अप्लाई के लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को आप अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी हिंदी में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या इंग्लिश में भी, ठीक है। जो कि 16 अप्रैल से आपके फॉर्म की अप्लाई की डेट स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद आप अप्लाई की प्रोसेस को कर सकते हैं। क्लिक हियर पे जा कर के अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन होगा जहां से आप अप्लीकेशन प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको सारी जानकारी मैं यहाँ से दे सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद।